हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, डेरिवेटिव का। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेरिवेटिव के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अभी आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 से जितने भी हो सकेगा हम क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का नया वीडियो स्टार्ट कर शुरू करते हैं फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या स्टूडेंट? कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तीन स्टेप डेरिवेटिव के अंदर सेम ही रहने वाले हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर कैसा भी आपको पूछता है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको सेम है। उसके बाद डेरिवेटिव जब आप यूज़ करेंगे तो डेरिवेटिव यूज़ करते टाइम आपको ध्यान रखने का कि dy/dx से आपको पीछा नहीं छूटने वाला, ये आपको कंटिन्यू लिखने का है, ओके? फिर डेरिवेटिव में सबसे पहले यहाँ पे PFA फंक्शन यूज़ होगा। PFA फंक्शन मीन्स PFA मेथड क्या शो करता है, ये आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जाके जब आप देखेंगे वो वीडियो, तो वो वीडियो के अंदर आपको PFA मेथड क्या होता है पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स के हिसाब से यहाँ पे हम फंक्शन का क्या निकालेंगे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे। पावर का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे निकाल रहे हैं इसको, 2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7, ओके? एक्स स्क्वायर प्लस 7 के फंक्शन के साथ चालू हुआ। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालेंगे cos का, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ log ऑफ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ब्रैकेट समझ के एकदम समझ बूझ के लगाने का, क्योंकि अगर तीन ब्रैकेट यूज रहे तो हमेशा सबसे बड़ा ब्रैकेट पहले यूज़ कीजिए, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट, दैट इज कॉल मझला ब्रैकेट अगर हिंदी में बोला जाए तो, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, ओके, प्लस 7। उसके बाद क्या यूज होगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे कॉस का भी फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकल गया। अभी फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव, फंक्शन का एंगल क्या, लॉग कॉस एक्स। इसका हम लोग अगले स्टेप पे देखते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ओके? यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स अभी तक? यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारे देख चुके हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस साइन है, ओके? तो माइनस साइन को अभी मल्टीप्लाइड में, तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 sin of log of x square plus 7। ध्यान दीजिए, पहले स्टेप में ये लिखा, दूसरे स्टेप में क्या लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ओके? यहाँ तक दूसरे स्टेप में। अब स्टूडेंट्स, अगर ये आप क्वेश्चन हमारा पहला प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये डायरेक्ट कैसे कैसे इसका कुछ ना कुछ फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है, हम लोग फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। वो फार्मूला क्या स्टूडेंट, जरा बताइए मेरे को। उम्मीद करता हूँ कि आपको देखते ही आपको फार्मूला याद हो गया होगा कि वो फार्मूला क्या है, ओके? उसके बाद किसका, फंक्शन का डेरिवेटिव जब देखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। अभी लॉग का डेरिवेटिव देख रहे हैं। लॉग का डेरिवेटिव जब देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/x²+7। क्यों? क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। उसके बाद लॉग के अंदर के एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे। एक्स मीन्स ये पूरे कोई टर्म को हम लोग एक्स बोलेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, x^n के फॉर्मूले से निकलेगा। उसके बाद 7 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन अगर वो सेमी कांस्टेंट होता तो उसके फंक्शन का डेरिवेटिव 1 या कुछ भी समथिंग हो जाएगा, लेकिन वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। ये भी मैंने आपको बताया कि सेमी कांस्टेंट किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है? तो x² + 7, फिर अंदर उसके लॉग के फंक्शन का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर यूज़ करूँ तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि sin 2x = 2 sin x × cos x। प्लीज़ रिमेंबर दिस, आपको ये फार्मूला मैंने आपको एज इट इज़ याद कराया है कि साइन डबल एंगल फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, sin 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 sin x × cos x, या 2 sin x cos x की जगह क्या लिख सकते हैं, sin 2x। यहाँ पे देखिए फार्मूला सेम बन रहा है, 2 sin x × cos x। एंगल दोनों का सेम होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है तो यहाँ पे भी एंगल वही आपको लिखने का। इन केस एंगल अगर आपको यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल x+7 रहता और यहाँ पे x²+7 रहता, दैट इज़ रॉन्ग। फिर भी ये आपका फार्मूला नहीं बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग हो जाता, और अगर एंगल अलग हो रहा है तो यहाँ पे फार्मूला जनरेट नहीं हो सकता था, ओके? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, तो फार्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू
डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो आपको लिखना ही पहले से, साइन ऑफ टू क्या बन रहा है जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ओके एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, उसके बाद क्या बचेगा स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन यहाँ पे इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाय, इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ओके। अब इसको मैं एकदम फॉर्मुलेटेड तरीके से लिखा जाए, अगर फॉर्मुलेटेड मीन्स मॉडिफिकेशन के तरीके से अगर लिखा जाए तो कैसे बताएंगे हम इसको, टू एक्स इंटू साइन ऑफ टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, दैट इज योर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर को आपको स्टूडेंट्स हमेशा बॉक्स के अंदर लिखने का है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फाइनल आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ फॉरवर्ड कर सके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक देख चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 वहाँ पे लिखा हूँ। स्टूडेंट्स ये लिखने का रीज़न क्या आपको मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हम कर चुके रहते हैं, तो अभी हमको टाइम जो रिड्यूस करने का थोड़ा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैं तीन स्टेप फॉरवर्ड पहले से ही लिख चुका हूँ, अभी फोर्थ स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, टेन किसका डेरिवेटिव लेने का, टेन का। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी एंगल है, वो हमेशा नहीं दिख सकता आपको, कुछ ना कुछ एक एंगल के फॉर्म में रहेगा, जैसे एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी। यहाँ पे टेन का एंगल क्या है, कॉस ऑफ साइन एक्स, दैट इज टू टर्म्स इज द एंगल ऑफ टेन, ओके। तो टेन का डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर किसका आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स क्या है, ये पूरा फंक्शन है, ध्यान दीजिए जरा, एक्स यहाँ पे क्या है, पूरा फंक्शन है, ओके। उसके बाद क्या हम लोग लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे, एंगल क्या है, कॉस का एंगल, कॉस का एंगल जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और साइन किसका आएगा, उसका भी कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, वो एंगल क्या है, साइन एक्स है, ओके। कॉस का एंगल क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ साइन आएगा कॉस एक्स आया, और फिर साइन का डेरिवेटिव हम लोग उसी के टर्म में निकालेंगे। देखिए हमको हर स्टेप में इंक्रीज नहीं करने का स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा स्टेप बढ़ते जाएगा और हमारा टाइम भी ज़्यादा होते जाता है। तो आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करने का, आप पहले बेसिक क्वेश्चन में इसीलिए बताते हुए चलो ताकि आपको पूरा डीप नॉलेज हो वो चीज़ का, उसके बाद डायरेक्टली हम स्मार्ट वर्क जो कर रहे हैं अभी फिलहाल वही करना है आपको, ठीक है। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर जब आया तो आपको कैसे लिखने का है, बॉक्स के अंदर लिखने का। अब इसको मॉडिफिकेशन रीअरेंज करने का, रीअरेंज कैसे करने का आपको देखिए जरा ध्यान दीजिए, साइन ऑफ कॉस एक्स, ओके ये लिखने का। अब ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं आगे कॉस एक्स लिखूंगा तो सामने वाले को ये एग्जामिनर को ये पता नहीं चलना चाहिए, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो दूसरा कॉस एक्स हम लोग लिख रहे हैं, ये जो दूसरा कॉस एक्स लिखे ये इसका एंगल, अगर मैं इसको ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ तो एग्जामिनर को क्या मालूम पड़ेगा कि ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स बोथ ऑफ एंगल ऑफ साइन, मतलब ये दोनों एंगल है साइन का, लेकिन ब्रैकेट से ये शो हो गया है कि कॉस एक्स ओनली कॉस एक्स एक ही कॉस एक्स है जो साइन का एंगल है, अदर जो दूसरा है वो किसी और का एंगल नहीं, वो अपने आप को एक एंगल जनरेट कर रहा है जिसका नाम एक्स है, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिए जरा, सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स, ओके दैट इज योर आंसर। अब ये आंसर आया तो आप इसको किस में लिखेंगे, एक बॉक्स के अंदर जनरेट कर दीजिए, ओके। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये ब्रैकेट को क्लोज करा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 के मैं तीन स्टेप पहले से ही लिख चुका हूँ, क्योंकि आपको यही स्टेप आपको बार बार लिखने का है। फिर उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले सेक एक्स का। सेक एक्स मीन्स क्या आता है स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, सेक एक्स मीन्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। सेक एक्स इंटू टेन एक्स मीन्स अपने को दोनों फंक्शन को सेम सेम लिखने का, इंटू टेन एक्स, ओके। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका जो हमारा डेरिवेटिव कैसा है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मीन्स क्या है, सेक एक्स ये पूरा एक्स है, ओके। फिर टेन एक्स आपको ये नहीं देखना कि दो दो बार टेन लिखे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही वही जनरेट होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, टेन का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर आपको लिखने का है। फिर उसका एक्स, एक्स क्या है टेन का, ये पूरा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर दैट इज फंक्शन ऑफ टेन,
ओके फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे। एंगल का डेरिवेटिव जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 4 जो इज़ प्योर कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ओके अब इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं फॉर मैक्सिमाइज ऑफ द फाइनल आंसर। कैसे करेंगे इसको रीअरेंज, जरा ध्यान दीजिए। अभी इसको मैं किस टाइप का रीअरेंज कर सकता हूँ जरा मेरे को बताइए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कट भी सकता है, क्या क्या कट सकते हैं जरा बताइए। अगर आप लोग कोशिश करो तो इसमें कुछ कट रहा है क्या, ये कटेगा क्या सेक स्क्वायर, सेक ये सेक स्क्वायर ये सेक कटेगा क्या, आप लोग बताइए। नहीं कट सकता, क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि ये सेक स्क्वायर का सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंगल है, जबकि ये सेक का एंगल, ये सेक का एंगल जो है टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ओके और ये टेन का एंगल अलग है, तो इसमें से कुछ भी टर्म कट नहीं सकता। तो हम लोग इसको कैसा लिखेंगे फाइनल आंसर में, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके इंटू सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू टेन ऑफ फिर टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके इसको भी आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूँ। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो बुक के अंदर है, सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 है। ओके मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिर्फ लिखा हूँ, मैं इसकी वजह से लिखा हूँ ताकि क्वेश्चन को मैं कुछ चेंज कर सकूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन को चेंज करने का रीजन यही था कि मैं एक्स स्क्वायर लिखा हूँ, आप एक्स रेस टू 4 लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ यहाँ पे सेम होने वाला है, एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स रेस टू 4 आने वाला है यहाँ पे। यही चेंज होएगा, यही चेंज क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक्स रेस टू 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। वो आप लोग खुद से करें, ट्राई करें कि वो आंसर आपका फाइनल आ रहा है कि नहीं। ओके तो मैं अभी इसको रब करता हूँ। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 अभी कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिखे, क्वेश्चन नंबर 14 आपको तीन स्टेप आपको मैं पहले से लिखा हूँ ताकि हमारा टाइम रिड्यूस हो सके, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का तीन स्टेप लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का भी तीन स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है अभी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, e रेस टू मीन्स e के पावर में log ऑफ log x का होल स्क्वायर माइनस log इंटू x का स्क्वायर। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, आपको लगेगा कि ये चीज़ भी फंक्शन सेम है, ये फंक्शन भी सेम है, नहीं, यहाँ पे लॉग के बहुत सारे रूल अप्लाई हो सकते हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल के बहुत सारे रूल अप्लाई होंगे तभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जा सकेगा। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिए कि ई रेस टू लॉग एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज एक्स होता है। ओके ई रेस टू लॉग एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज एक्स कैसे मीन्स स्टूडेंट, ई और लॉग कैंसिल होता है, ई और लॉग्स का आपस का रिलेशन ही ऐसा है कि एक दूसरे को एग्जिस्ट नहीं करते, एक दूसरे को साथ में एग्जिस्ट पावर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए एक दूसरे को कट करते हुए सिर्फ ये लॉग के फंक्शन का जो पावर का फंक्शन रहेगा उसी का पावर का जो फंक्शन रहेगा वो आपको डायरेक्टली मिलेगा आंसर के अंदर। तो यहाँ पे कटेगा क्या कटेगा स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला क्या याद रखने का है कि ई रेस टू लॉग एक्स। अब ये होता कैसे स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये होता कैसे मालूम है कि ई रेस टू लॉग एक्स अगर, ओके ई रेस टू लॉग एक्स है, इन केस मैं अगर करता हूँ कि डिफरेंशिएट, मैं क्या करता हूँ कि बोथ दी साइड लॉग पुट करता हूँ, मींस यहाँ पे ऐसा दिया हो, वन दिया हो, फॉर एग्जांपल वन दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला है कि यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ कि मल्टीप्लाइड बाय बोथ दी साइड लॉग, मल्टीप्लाइड अगर मैं ऐसा लिखता हूँ मल्टीप्लाइड लॉग एक्स इन बोथ साइड, ओके ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, वन कैसे आता है यहाँ पे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी लॉग एक्स नहीं, मल्टीप्लाइड बोथ दी साइड इन लॉग, ओके लॉग ध्यान दीजिए जरा क्या आएगा, लॉग आ रहा है। ओके अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी लॉग हो जाएगा, वन ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब लॉग ई हो गया, फिर इसके ऊपर पावर ऑलरेडी है, ओके ध्यान दीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू लॉग वन, लॉग वन नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रहना चाहिए, मैं एक्स मान ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स, या कोई भी फंक्शन की वैल्यू आप मान लीजिए, कोई भी फंक्शन मीन्स कोई भी फंक्शन, जिसे मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लॉग एक्स हो गया, ओके क्योंकि लॉग का दोनों के फंक्शन, अब लॉग ई इज इक्वल टू वन होता है ये आपको भी मालूम है, तो लॉग ई इज इक्वल टू वन हो गया, वन इंटू लॉग एक्स, ओके तो जो फंक्शन लेफ्ट में है वही फंक्शन राइट साइड में भी आएगा,
क्यों? क्योंकि ये अपने को रूल तो फाइंड आउट करने का है ना कि लॉग एक्स जो लेफ्ट साइड में जो है वही राइट साइड में भी होना चाहिए। तो ई रेस टू आप डायरेक्टली इतना बड़ा मल्टीप्लाई डेरिवेशन याद करने से बेहतर है आप डायरेक्टली याद रखो यही चीज़। मैं ये फंक्शन आपको कैसे आया वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ई रेस टू लॉग कटता है, इसका जो भी पावर रहता है वो पावर का बनता है, ठीक है। तो आप ये फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा, फाइनल आंसर मीन्स इसका अगले का स्टेप क्या बनने वाला, ध्यान दीजिए। ई और लॉग कैंसिल हुआ, ओके, ई और लॉग कैंसिल हुआ जब, तो आगे क्या आएगा अभी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्या भी फंक्शन बनेगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है और लॉग ऑफ इंटू एक्स स्क्वायर है, ऐसा दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स रेस टू एन का जब फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे हम लोग, तो क्या आएगा स्टूडेंट, टू लॉग एक्स आ जाएगा, ओके। फिर लॉग एक्स का पावर होने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग एक्स का निकालेंगे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ओके। अब इसके अंदर डेरिवेटिव यूज करेंगे, अब इसके अंदर डेरिवेटिव यूज करने का भी ट्रिक अलग है, क्योंकि लॉग का फंक्शन कैसे जरा ध्यान दीजिए, इसके अंदर लॉग क्या बोलता है, यहाँ पे लॉग कभी भी ऐसा रखते हैं, लॉग ए रेस टू एम क्या बोलता है, लॉग ए रेस टू एम ये बोलता है कि एम इंटू लॉग ऑफ ए होता है, ओके, एम इंटू लॉग ऑफ ए, ये फंक्शन कैसा दिया, लॉग ए रेस टू एम तो इज इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू लॉग हो गया, मतलब कैसा दिया ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, दिट इज मोर एसेंशियल फॉर्मूला फॉर द लॉगरिथमिक चैप्टर, ओके, ये लॉगरिथमिक चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लॉग ए रेस टू एम का फंक्शन जब भी दिया है, देखिए यहाँ पे पावर में दिया था पूरा होल स्क्वायर में, इसलिए ऐसा किए, यहाँ पे इसका पावर दिया है, यहाँ पे कैसा लॉग एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूरा फंक्शन ही चेंज हो गया, पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया। तो ए रेस टू एम इज इक्वल टू एम इंटू लॉग ए, दैट इज फॉर्मूला व्हिच इज यूज इन दिस स्टेप, ओके, ये स्टेप के अंदर यूज हुआ है। उसके बाद देखिए अब इसका डेरिवेटिव जब मैं निकालते बैठूंगा तो कैसा आएगा, टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, अब ये टू तो पहले इधर आ गया तो माइनस टू बचा, अभी क्या हुआ लॉग एक्स भी बचेगा, क्या बचेगा, अभी मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या बचेगा, सिर्फ लॉग एक्स, ओके, यहाँ पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा जरा ध्यान दीजिए, लॉग एक्स माइनस टू, अब यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी x है, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं नीचे कॉमन है तो कैसे लिख सकता हूँ, टू log x माइनस टू डिवाइडेड बाय x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसका फाइनलाइज अगर आंसर करना चाहूँ मैं तो ध्यान दीजिए, ये एक स्टेप में फाइनल आंसर कर रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टू कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि दोनों के अंदर सेम है, तो log x माइनस वन, ओके, डिवाइडेड बाय एक्स, समझ में आया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, टू बाय एक्स लॉग एक्स माइनस वन, डैट इज योर फाइनल आंसर, ओके। ये फाइनल आंसर किसका है, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो आप फाइनल आंसर है तो इसको स्टेप में लिखिए, इसको बॉक्स के अंदर लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करा सकूं, ओके। ये क्वेश्चन को आप लिखिए, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 14 में जरा ध्यान दीजिए कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का भी मैं सेम चीज लिख चुका हूँ, अब आगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट साइन एक्स, ओके। अब साइन का डेरिवेटिव हो गया, अभी किसका, रूट का निकालेंगे, तो रूट का डेरिवेटिव निकालते तो क्या यूज़ करते हैं, वन अपॉन टू रूट मीन्स टू रूट एक्स, एक्स के अंदर क्या है, साइन ऑफ रूट एक्स है, कुछ भी यहाँ चेंजेस नहीं है, सेम हम लोग जो बेसिक में पढ़े वही फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ तक। फिर उसका रूट निकालने के बाद क्या बचा, साइन बचा, अब ये साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ रूट एक्स, ओके। अब ये साइन हो गया, अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, रूट का, तो रूट का क्या हो जाएगा, फिर वन अपॉन टू रूट, रूट के अंदर क्या है, एक्स है, ध्यान दीजिए जो रूट के अंदर फंक्शन रहेगा वही रूट को डालने का, बाकी नेक्स्ट आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है, ओके। अभी इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए टू टू या फोर हो जाएगा, फोर रूट एक्स इंटू इंटू आप लिखो या फिर इसको ब्रेक, इसको जो है जो डिवाइड की साइन है वो बड़ा करो, फिर क्या होएगा, ये कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ओके। फिर नीचे और क्या आएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फोर रूट एक्स मैं लिख चुका हूँ, ये भी लिख चुका हूँ, ये भी लिख चुका हूँ, अभी क्या बचा, रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ओके, ये बचा। अभी देखिए आप पूरा कंप्लीट किए कि नहीं, एक टर्म हो गया,
दो टर्म हो गया, नीचे एक टर्म दो टर्म, नीचे कितना टर्म है एक टर्म दो टर्म, ये टू और ये टू, टू टू जा फोर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ऐसा आप कैसा अगर आगे पीछे लिख रहे तो जितने भी फंक्शन उसको काउंट कीजिए कि आप जितना आपके प्रीवियस स्टेप में था वो आप लिखे हो कि नहीं लिखे हो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं 15 और 16 बता सकूँ। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में जरा ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स रेस टू टू। देखिए पावर यहाँ पे दो पावर यूज किया गया, सेक का पावर क्या है ई और ई का पावर क्या है एक्स और एक्स का पावर क्या है टू। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीन तीन फंक्शन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे तीन स्टेप लिखने के बाद मैं चौथे स्टेप की तरफ डायरेक्टली मूव करूंगा। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे होएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा। लॉग का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है सेक ऑफ ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। ध्यान दीजिए डायरेक्टली यहाँ पे मैं यूज किया हूँ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स का स्क्वायर इन टू, फिर ध्यान दीजिए ई रेस टू एक्स बचा, ई रेस टू एक्स के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। अभी तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स डायरेक्टली होता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ आपको, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स हो गया डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ई रेस टू, या आप थोड़ा नीचे लिखे ताकि आपको पावर में पूरी तरह दिखे, सेक ऑफ ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। ओके, इनटू फिर क्या देखेंगे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो गया, अब एक्स रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का जो डेरिवेटिव हो गया, ओके अभी किसका देखेंगे उसके पावर का, तो एक्स का पावर का क्या है टू एक्स हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर, टू एक्स डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ई रेस टू एक्स का पावर टू, ऊपर ही मल्टीप्लाइड में मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू एक्स का पावर टू, दैट इज योर फाइनल आंसर। और ये फाइनल आंसर को आप बॉक्स में करेंगे। ओके स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, इसके अंदर लॉग का फंक्शन का तो देख लिया मैंने, सेक एक्स का वन अपॉन क्या आ गया फंक्शन सेक एक्स, लेकिन मैंने सेक एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं निकाला। यहाँ पे देखिए गलती ऐसे ही होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती क्या हुई थी जरा ध्यान दीजिए, यह मैं तीन स्टेप फिर से इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करता हूँ। ओके मॉडिफिकेशन देखिए जरा देखिए कैसे होगा इसका, सेक ऑफ ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ध्यान दीजिए जरा क्या होगा सेक एक्स का डेरिवेटिव, अब ये सेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स का पावर लिख सकता हूँ, क्योंकि वन अपॉन एक्स सेक का डेरिवेटिव, वन अपॉन सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस होता है, इंटू इसका डेरिवेटिव जब मैं निकाला तो सेक का डेरिवेटिव जरा देखिए सेक एक्स मीन्स ये हो गया इंटू टेन एक्स। ओके सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उसके बाद ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज ई रेस टू एक्स आने वाला है, फिर एक्स रेस टू टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ 100% कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, कैसे कैंसिल होने वाला जरा ध्यान दीजिए, कॉस का क्या देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको कॉस सेक को कॉस बना देता हूँ, सेक को कॉस बना देता हूँ, ये सेक को मैं अगर कॉस बनाता हूँ तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ध्यान दीजिए। ओके यहाँ पे कैंसिल कैसे हो रहा है स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ई रेस टू एक्स का स्क्वायर इंटू टू एक्स, ये कॉस एक्स कैसे कैंसिल हुआ, अगर मैं इसको नहीं चेंज करता तो भी डायरेक्टली कैंसिल हो जाता, लेकिन मैं सोचा अगले स्टेप में आपको कुछ नया तरीका बताऊं, नया मीन्स ये पुराना ही है स्टूडेंट, टेंथ का ही है क्वेश्चन, ये टेंथ का ही है कि वन अपॉन सेक्स मीन्स क्या डेट इज कॉस, तो यहाँ पे देखिए कॉस और कॉस कैंसिल हो गया। अभी फाइनल आंसर में आपको क्या बचा, ये आपको कंटिन्यू हर चीज़ में लिखना, अगर मैं भूल जा रहा हूँ तो आपको लिखने का है। ओके आपको भूलना नहीं, अगर आप भूले एग्जाम में तो एग्जामिनर मार्क्स देना भी आपको भूल जाएगा। फाइनल आंसर क्या रहने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ ई रेस टू एक्स का पावर टू इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, क्यों ब्रैकेट में लिखूंगा, दैट इज एंगल ऑफ साइन, अगर मैं आगे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा इधर तो एग्जामिनर को क्या मालूम पड़ेगा कि आगे का सब एंगल सेम है। ओके सब एंगल सेम मीन्स वो सब टेन का ही एंगल है इंटू टू एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को किस में आपको करने का है, बॉक्स के अंदर करने का है। आप क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा स्टूडेंट क्या है यहाँ पे कि लॉग ऑफ ई रेस टू टू इंटू लॉग एक्स। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको मैं, लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ए, ऐसा रखिए लॉग ऑफ ए इंटू लॉग बी, ऐसा आपको फॉर्मूला दिया है अगर,
मीन्स क्या है, और ये लॉग जो है उसका एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है। ओके, तो आपको यहाँ पे जो एज इट इज इसका फॉर्मूला लिखना रहता है, लॉग ऑफ लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए। ओके, दैट इज योर फॉर्मूला। ये भी एक लॉगरिथमिक, व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन इट इज स्टडी इन लॉगरिथमिक चैप्टर देन इट इज यूज्ड। ओके, जब भी आप लॉगरिथमिक चैप्टर पढ़ेंगे इसको यूज 100% कहीं ना कहीं होने वाला है। तो अब मैं इसको डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट करूंगा, उसमें कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा जरा बताइए मेरे को। y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या बनेगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ e का पावर 2। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी क्या बना, e का पावर 2। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस या उससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि log e इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, log e इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपको कंसिडर करके रखने का है। तो log e इज इक्वल टू 1 जब मैं लिखा तो फिर आगे वाले स्टेप में क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू log ऑफ, अब 1 आया, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो यहाँ पे क्या है, log ऑफ log x। ओके, अब इसको आप लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं कर ले रहा हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट्स आंसर में डायरेक्टली, आपको आंसर डायरेक्ट नहीं करने का है। dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, log का, log का फंक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूँ x इंटू log x। ओके, क्योंकि ये log का जब मैं देखूंगा तो log x हो जाएगा, ये log x का डेरिवेटिव देखूंगा तो x हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को जरा ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूला आपको कैसे कैसे और कहाँ यूज़ करने का ये ध्यान में रखिए। ये फॉर्मूला आपको कहीं पे भी लॉगरिथमिक जब भी क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में लगाइए कि ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूँ। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 वहाँ पे लिखा हूँ, उसके भी लिखने के कुछ रीज़न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस के दूसरे या तीन पहले वीडियो में सेम यही टाइप के ऑलमोस्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आप लोग अगर वो वीडियो मेरी देखे हैं तो उसको डायरेक्टली बिना देखे अब इसका डायरेक्ट आप आंसर सॉल्व कीजिए। आंसर सॉल्व करने का मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय, ये लॉग की डेरिवेटिव जब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन की डेरिवेटिव आएगा। ओके, लॉग एक्स आएगा, फिर ये लॉग का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ लॉग एक्स बचेगा। ओके, फिर ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। दैट इज योर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17 का डायरेक्टली आप आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप आंसर तो नोट करिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करिए और मेरे आंसर से आप अपने आंसर को मैच कीजिए। अगर आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम ही स्टेप है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है, पीएफए मेथड यूज होने वाला है। पीएफए मेथड के अंदर जरा देखिए क्या रहेगा। अभी डायरेक्टली हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस, ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूँ मैं, टू कॉस ऑफ, ओके, टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू और क्या आएगा, टू एक्स। देखिए मैं एक ही स्टेप में डायरेक्टली पूरा आंसर लिख चुका हूँ, अभी मेरे को सिर्फ इसका मॉडिफिकेशन करने का है। अभी इसको आप पूछेंगे सर कि इतना बड़ा बड़ा इतनी जल्दी आप कैसे कर लिए, देखिए करना का तरीका क्या है। पी एफ ए मेथड के हिसाब से डायरेक्ट मैं पावर लिखा, टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2-1 हो जाता है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन का डायरेक्ट कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव निकाला 2x निकाला, ओके, माइनस की साइन लगाया, फिर यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव निकाला 2 कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला कॉस का माइनस साइन हो गया। ओके, ध्यान दीजिए जरा, आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें स्मार्ट होते जाएंगे, उतना ही आपको ईजी लगेगा। क्योंकि आजकल के टाइम पे स्टूडेंट्स को मैंने देखा सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कोई चैप्टर है तो वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है। क्यों है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, वो क्वेश्चन देखते बोले ये मेरे को आ रहा है, ये मेरे को आ रहा है, ये मेरे को आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में करने बैठते उनको कुछ भी नहीं आता, दिमाग पूरा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। और उसका रीज़न यही है स्टूडेंट्स कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप कितने भी बेहतर यूट्यूबर टीचर से पढ़ लीजिए या फिर क्लास या अकेडमी या कोचिंग अकेडमी कहीं पर भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको पढ़ाई नहीं आ सकता, क्योंकि
आप मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी चैप्टर हो उतना ही बेहतर आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूलेस थोड़ा अलग टाइप के रहते हैं, इसके फॉर्मूलेस थोड़ा हटके रहते हैं। हटके क्यों रहते हैं? क्योंकि इसके फॉर्मूलेस में आपको कहीं मैच नहीं होएगा, आपको कहीं मैच नहीं बोले सर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो डेरिवेटिव में ही यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यूज़ हो, वेक्टर में यूज़ हो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए जरा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको कहीं भी यूज हो सकता है, डेट इज कॉल्ड अल्जेब्रिक फॉर्मूला। लेकिन डेरिवेटिव का फॉर्मूला सिर्फ डेरिवेटिव और डेरिवेशन के अंदर ही यूज होगा और कहीं नहीं यूज होगा। ठीक है, अभी इसका देखो अरेंजमेंट कैसे होगा, ध्यान दीजिए जरा। 2 टू जा 4, ओके, 2 टू जा 4 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर मैं एक्स लिख दिया, क्यों लिखा? क्योंकि 2 टू जा 4 4x। अब ध्यान दीजिए इसके इसके मल्टीप्लाइड में माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, यहाँ पे भी 2 टू जा 4 हो गया, 4x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी डाउट है क्या? कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे 4x, यहाँ पे 4x और यहाँ पे एंगल सेम, यहाँ पे भी एंगल सेम, मीन्स मैच हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो गया। अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू 2 के टर्म में लिख सकता हूँ, 4x इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये स्टेप, तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, 8x ऐसा लिखिए, फिर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। आप पूछेंगे ये 8x कैसे आ गया? देखिए यहाँ पे सेम इक्वेशन है, यहाँ पे भी सेम इक्वेशन है, तो 4x प्लस 4x 8x हो गया, और एंगल को तो एक ही बार आप लिखेंगे ना, फंक्शन एंगल को। ओके, अब 8x को मैं दो पार्ट में डिवाइड क्यों करूँ स्टूडेंट? जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला हमको दिख रहा है। फॉर्मूला कैसे दिख रहा है अपने को? क्योंकि यहाँ पे 2x का जगह, ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते थे, मैं बार बार वही एक फॉर्मूला अभी रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं 8 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दो पार्ट मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, मीन्स 2 के साथ एक फंक्शन बनेगा, डेट इज फॉर्मूला बनेगा। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे 4x बाहर लेके चले गया, 2 sin x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, दैट इज योर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला? साइन 2 के फंक्शन के साथ यूज होगा। अभी क्या इसका आंसर आएगा? 4x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ओके, अब ये आंसर है, तो आपको आंसर को कैसे लिखने का है? dy बाई डी एक्स के साथ लिखने का है। ओके, आंसर को आपको बॉक्स में लिखने का है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड हो सके। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट की तरफ जाएंगे। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेस्ट टू क्यूब प्लस फिर नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का रेस्ट टू 4। ओके, तो सेम थे ये तीन स्टेप आपको सेम लिखने का है। ओके, अब इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, तो ये एकदम सिंपल अल्जेब्रिक डेरिवेटिव, डेट इज सिर्फ एक्स का फंक्शन यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स का फंक्शन यूज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम आपको एक्स रेस्ट टू एन सेमी कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट ही मिल रहा है, एक्स रेस्ट टू एन सेमी कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट, यहाँ पे पावर भी मिल रहा है। तो पावर का डायरेक्टली हम लोग देखिए कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेस्ट टू 2। ओके, फिर इसका क्या बचा, 2x प्लस 4। ओके, पहला फंक्शन बच गया, प्लस की साइन लगाया मैं, फिर इसका देखूंगा इसका क्या बचने वाला है, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, इसका नीचे यहाँ पे फंक्शन में कितना आया 4, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ओके, फिर ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, दैट इज योर फाइनल आंसर। लेकिन ये फाइनल आंसर को आपको रीअरेंज करके लिखने का है। रीअरेंज अभी कैसा लिखेंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 3। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेस्ट टू 2 इंटू 2x प्लस 4। अब 2x प्लस 4 का यहाँ पे आप चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली क्या करने का स्टूडेंट, जरा ध्यान दो, यहाँ पे आपको करने का क्या, यहाँ पे 2x प्लस 4 है, यहाँ से मैं अगर 2 निकालूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचने वाला है, तो ये जो 2 निकलेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 ही बचेगा सिर्फ, ध्यान दीजिए जरा, फिर प्लस, अब यहाँ पे जरा यहाँ पे निकल रहा है क्या कुछ, यहाँ 3 निकालूंगा तो यहाँ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते आप, 3x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का रेस्ट टू 3, ये आपका ब्रैकेट में, दैट इज योर फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड के साइन आपको मैंने बता चुका है। यू इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे यूज करेंगे, ओके। तो यू इंटू वी का डेरिवेटिव यूज करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। यू एज इट इज, वी का डेरिवेटिव, वी क्या है इसके अंदर जरा ध्यान दीजिए, वी क्या है, थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर रेस टू एट, मीन्स ये होल ब्रेकेट का एट है, प्लस फिर u एज इट इज था v का डेरिवेटिव, फिर v का v एज इट इज, v जो है एज इट इज। अब v क्या है स्टूडेंट्स, ये था v। अब इसको u और v कैसे शो कर रहे हैं, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप पूरे देख सकते हैं कि u मैंने कैसे अरेंजमेंट से बताया आपको, v कैसे बताया है, ओके। फिर डेरिवेटिव, नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या रहेगा, वन प्लस फोर एक्स का रेस्ट टू फाइव, ओके। यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे स्टूडेंट। तो ज़्यादा ध्यान दीजिए क्या आएगा इसका नेक्स्ट स्टेप में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए वन प्लस फोर एक्स को आपको डिस्टर्ब नहीं करने का है, जैसा है वैसे ही लिखने का है, क्योंकि वो डेरिवेटिव के अंडर में नहीं आ रहा है अभी, ओके, अभी नहीं आ रहा, आगे आने वाला है। आप इसका डेरिवेटिव देखिए क्या आने वाला है, एट थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू सेवन इंटू वन माइनस टू एक्स, ओके, क्योंकि वन का यहाँ पे थ्री का जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, माइनस एक्स रेस टू एन का टू एक्स हो जाएगा, समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक। प्लस ध्यान दो जरा अभी, इसका यहाँ पे ये फंक्शन के साथ एक ही टर्म बना, मीन्स इसके अंदर मल्टीप्लाई अरेंजमेंट हो सकता है। अभी इसका देखिए क्या आ रहा है, प्लस मैंने साइन लगा लिया है, थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, इंटू फाइव क्या आ जाएगा, वन प्लस फोर एक्स रेस टू फोर, और क्या आएगा, वन का जीरो हो जाएगा, सेमी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, क्योंकि फोर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, ये फाइव और फोर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं आपस में, ओके स्टूडेंट। तो जरा ये फाइव और फोर का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे, तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर टू हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्टेप में क्या स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, स्टेप में क्या है, वन प्लस फोर एक्स रेस टू फाइव, यहाँ पे हम सब निकाल चुके हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ था, ये एज इट इज लिखना था, जहाँ पे रेस टू पावर एट लिखना था, मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे अभी लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अगर एक आप प्रीवियस स्टेप में भूल जा रहे हैं तो 100% आप नेक्स्ट स्टेप में गलती करेंगे और आपको आंसर रॉन्ग ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी कैसा इसका मल्टीप्लाई होगा, फाइव फोर जब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ध्यान दीजिए जरा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एट, एट एज इट इज लिखूंगा मैं, वन माइनस टू एक्स लिखूंगा, वन माइनस टू एक्स लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, वन प्लस फोर एक्स रेस टू फाइव, ओके। फिर क्या लिखूंगा, एट तो मैं पहले लिख चुका हूँ, फिर ये लिखूंगा थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर रेस टू सेवन, ये पहला हो गया। अभी आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, प्लस, प्लस की साइन लगाया, उसके बाद क्या लिखूंगा, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी आया, फिर क्या लिख सकते हैं इसको, वन प्लस फोर एक्स रेस टू फोर इंटू, फिर ये बचा टर्म, ये टर्म क्या शो करेगा, थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट मैं लिखा कैसे हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 8 लिखा, क्योंकि नंबर को आप सबसे पहले डेरिवेटिव में शो करते हैं, आप आगे पीछे लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सिस्टमेटिक पैटर्न यही है, 8 लिखा, उसके बाद स्मॉल फंक्शन को लिखा, उसके बाद उससे बड़े फंक्शन को, उसके बाद उससे बड़े फंक्शन को लिखा, प्लस फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अल्जेब्रिक टर्म को पहले लिखा, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े फंक्शन को रेस टू फोर, उसके बाद सबसे बड़े फंक्शन को लिखा रेस टू एट, दैट इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन और टू का यहाँ पे आपका फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर वन एंड टू कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जरा क्या, एक्स अपॉन रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स, ओके। तो वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स, आपको तीन स्टेप तक सेम लिखने का है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यू अपॉन वी, यू अपॉन वी भी मैंने बता चुका है आपको, वी अपॉन वी में क्या रहेगा, वी एज इट इज आपको नीचे सेम लिखने का, उसका होल स्क्वायर, ओके। वी का आपको क्या लिखने का, होल स्क्वायर, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। फिर आपको वी एज इट इज ऊपर लिखने का है, वी पहले लिखने का है, फिर यू का डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए जरा, यू का डेरिवेटिव मीन्स एक्स, माइनस फिर एक्स को मीन्स यू को एज इट इज लिखिए, फिर वी का डेरिवेटिव, वी का डेरिवेटिव मीन्स आप जो भी टर्म नीचे लिखे हुए डिनोमीटर में उसी का डेरिवेटिव आपको करने का है, लेकिन पावर के साथ नहीं, विदाउट पावर का, क्योंकि पावर जो फंक्शन है वो फॉर्मूले का फंक्शन है, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे का वन बाय रूट और टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेवन माइनस
3x। अब ये कैंसिल कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता चुका मेरे सारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जितने भी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रूट सेवन माइनस 3x, ओके, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो उसका कोई इशू नहीं है, फिर माइनस x एज इट इज लिखूंगा, ओके, x एज इट इज लिखूंगा, फिर यहाँ रूट का डेरिवेटिव, ये फंक्शन में रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 7 माइनस 3x, यह एज इट इज आएगा। फिर क्या आएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर माइनस 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 के साथ माइनस 3 बचेगा, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ध्यान दीजिए जरा, ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा अभी, रूट सेवन माइनस 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 रूट सेवन माइनस 3x, ओके, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3x, ये आपका फंक्शन में है। अब आप चाहो तो स्टूडेंट्स यहीं पे आपको आंसर आप फाइनलाइज कर सकते हो, लेकिन मॉडिफिकेशन अगर आप कर रहे हो तो बेहतर है। मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करना है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट कैंसिल होके एक फंक्शन बनेगा, एक फंक्शन कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिए, क्या बनेगा फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे का फंक्शन मैं सेम एज इट इज लिखूंगा, 7 माइनस 3x, ओके, 7 यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया था तो आपको ऐसे 7 माइनस 3x, अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 7 माइनस 3x, और क्या बचेगा जरा बताइए मेरे को, देखिए कैसा, इसको अगर आपको आपके तरीके से मैं बताऊं कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 एज इट इज लिखूंगा मैं, रूट 7 माइनस 3x होएगा, ओके, रूट 7 माइनस 3x बचेगा, और क्या बचेगा, यहाँ पे भी रूट 7 माइनस 3x होने वाला है, समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसके बाद क्या बचेगा, प्लस 3x, ओके। अब ये 2 रूट जो 7 माइनस 3x था, अब ये नीचे जाने वाला है, तो ये नीचे जब जाएगा तो 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x, ओके, यहाँ तक आने वाला है स्टूडेंट। अक्सर बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि यहाँ तक होने के बाद इसको आंसर डायरेक्ट सॉल्व करना छोड़ देते हैं, लेकिन इस स्टूडेंट ध्यान रखिए कि अगर ये 3 मार्क्स का आंसर अगर आप यहाँ तक करके छोड़ दें तो मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स ही एग्जामिनर मिलेगा, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हैं इनकेस तो एग्जामिनर कभी आपके ऊपर थोड़ा सा रहम या दया खा के दे देगा 1 मार्क्स, लेकिन ध्यान रखिए स्कॉलर स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स मिल रहे हैं मैक्सिमम तो यही सब स्टेप पे उसके एक एक आधा आधा मार्क्स कट किए जाते हैं ताकि उनको थोड़ा सा उनके ऊपर और ध्यान देकर, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती है और ये गलतियों पे उनके मार्क्स अक्सर कटते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहे हैं आप लोग, तो 2 रूट के अंदर रूट 7 माइनस 3x, ओके स्टूडेंट। तो अभी हम लोग अगले स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, तो स्टूडेंट देखिए अभी यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी ये रूट अभी मैं इसका आंसर यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ, ध्यान दीजिए जरा, इसको मैं सेम कैसे लिखूंगा स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं 2 ये कैंसिल कर रहा हूँ, 2 कैंसिल होएगा क्या, नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये 2 कैंसिल हो जाता तो यहाँ का फंक्शन ये अगर कॉमन लिए होते दो फंक्शन के साथ तो ही कैंसिल होता, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होने वाला था, ओके। ये तब कैंसिल होगा जब दोनों फंक्शन के साथ कॉमन लिया गया हो। स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन में ऐसे ही गलतियाँ की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जहाँ पे आपको ध्यान होगा 5 × 3 का कॉन्सेप्ट था, 3 मैंने कॉमन नहीं लिया था फिर भी उसका, तो इसकी वजह से आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने 3 स्टेप फिर से उसको रफ करके फिर से नया उसको जनरेट किया था, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इक्वेशन सेम है, मीन रूट 7 माइनस 3x, रूट 7 माइनस 3x तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेते टाइम एक ही में कॉमन लेंगे, ओके, तो 7 माइनस 3x और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन मीन्स दोनों का सेम हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3x और ये क्या लिख सकते हैं, और 2 को मैं एज इट इज लिखा, 7 माइनस 3x का 1/2, ओके, लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रूट को 1/2 भी बोलते हैं, ये 2 ये रूट कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा था ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते रहिए, भूलना नहीं है आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, अब ये सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, 2 × 7 = 14 माइनस 6x प्लस 3x डिवाइडेड बाय, अब ये 1 है ये हाफ है, कितना हो जाएगा, 1/2 कितना होता है, 3/2, 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2, ओके, 2 × 2 = 1 3/2 कितना हो गया, ये 7 − 3x डिवाइडेड बाय 3/2, यहाँ पे 2 आ गया, अब ये कैंसिल कर लीजिए आप, 7 dy/dx इज इक्वल टू 14, यहाँ पे माइनस 6x में प्लस 3x गया, कितना बचा, माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 7 − 3x / 3/2, दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके, ये आपका फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 13 का,
ओके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बता सकूं। स्टूडेंट जरा देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, सेम यहाँ पे यू बाई वी का कॉन्सेप्ट आने वाला है, एक्स क्यूब प्लस 3 का रेस्ट टू क्यूब और इसका स्क्वायर होने वाला है। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूले के अंदर ही बोलते हैं u अपॉन v का अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए v का स्क्वायर नीचे लिखे, अब v एज इट इज लिखने वाले हैं एक्स क्यूब प्लस 3। ओके, यह एज इट इज लिखे इंटू u का डेरिवेटिव, u क्या है इसके अंदर एक्स क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 5 यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद माइनस आपको लगाने, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। अभी आप पूछेंगे माइनस कहाँ से आया सर, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ ये फॉर्मूले वगैरह कैसे यूज हो रहे। ओके, फिर u का डेरिवेटिव मैंने कर लिया, अभी v एज इट इज लिखूंगा, सॉरी u एज इट इज लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू 5, फिर किसका डेरिवेटिव निकालूंगा u का। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट कैसे मैंने फिर से किया, v का यहाँ पे v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर किया मैं, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज फिर v का डेरिवेटिव। v क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब। ओके, अब देखिए अगले स्टेप में क्या आने वाला है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पावर जो है नीचे 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स क्यूब प्लस 3 एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव क्या निकलने वाला है, पहले एक्स रेस्ट टू एन के फॉर्मूले से निकलेगा 5x³ - 5 रेस्ट टू 4। ओके, फिर यहाँ पे इसके फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, माइनस 5 माइनस एज इट इज लिखूंगा, 5 नहीं सॉरी माइनस एज इट इज लिखूंगा एक्स रेस्ट टू क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 5 लिखूंगा, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव नहीं यूज हो रहा है। फिर इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव जब लिखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए 3x³ + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3x² से जब 3 नीचे उतरेगा तो 3 माइनस 1 क्या होता है स्क्वायर होता है। ओके, फिर इंटू 3x का, फिर ये क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 3x² हो गया, यहाँ पे सेम यहाँ पे भी 3x² हो गया। ओके, और प्लस 3 का 0 होने वाला है। समझ में आया यहाँ तक, आप नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग dy बाई dx। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 5 3 15 x². ओके, फिर और क्या बचा, x³ + 3 बचा यहाँ पे, और क्या बचा यहाँ पे x³ - 5 रेस टू 4 माइनस यहाँ पे देखिए 3 3 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, 3 3 9 हो जाएगा, और देखिए आगे क्या बचने वाला है x² एज इट इज लिखूंगा मैं, उसके बाद क्या होएगा x³ - 5 रेस टू 5 ये वाला टर्म लिखूंगा, उसके बाद यही टर्म जो बचा इसका साथ में ये भी लिखूंगा x³ + 3 रेस टू 2 डिवाइडेड बाय x+3 x³ + 3 डिवाइडेड बाय 6। ये आपको एज इट इज इतना तो आपको लिखना ही है, उसके बाद क्या चेंजेस करने का कैसे करने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर सुनिए यहाँ तक, तो देखिए स्टूडेंट्स का यहाँ तक जो मैंने आपको बोला सुनिए क्या सुनने का यहाँ पे, कि ये क्वेश्चन जो है जरा ध्यान दीजिए गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही है। देखिए यहाँ पे क्यूब था, मैंने यहाँ पे क्यूब नहीं लिखा है, क्यूब की वजह से गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही है स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके, तो क्यूब की वजह से गलतियाँ स्टूडेंट अक्सर गलतियाँ यहाँ पे होती है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे भी क्यूब होना जरूरी है, यहाँ पे भी क्यूब होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या क्या लिया जा सकता है, इसके अगले वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ dy/dx=। देखिए स्टूडेंट्स x³ + 3 का रेस्ट टू क्यूब मीन्स क्या देखने का, यहाँ पे x³ + 3 यहाँ पे भी है, x³ + 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे स्क्वायर में यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे x³ - 5 जो है 4 टाइम है, यहाँ पे x³ - 5 टाइम है। तो अगर मैं 4 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे एक बचेगा ये, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। समझ में आया, 1 0 बोले तो 1 बचेगा। अभी ध्यान दीजिए 15 यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे 3x² मैं कॉमन ले लिया। ओके, 3x² मैं कॉमन ले लिया, अभी देखिए क्या 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 और क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, x³ + 3 का स्क्वायर ये भी कॉमन ले लिया, इंटू x³ - 5
रेस्ट टू फोर, ये भी कॉमन ले लिया। ओके अभी देखिए बचेगा क्या क्या स्टूडेंट, इतना जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, तीन पचे पंद्रह, कितना बचा अभी, फाइव बचा सिर्फ, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया हूँ मैं, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर निकला होगा, यहाँ से भी निकला होगा। ओके कितना बचा, फाइव बचा सिर्फ। ओके अभी ध्यान दीजिए और क्या बचा होगा यहाँ पे, ये तीन यहाँ एक टर्म में से कितना निकालो, दो टर्म बाहर निकालो, मीन्स एक टर्म बचा होगा यहाँ पे, क्या बचा होगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री बचा होगा। ओके यहाँ तक तो सेम है, अभी ये फोर पूरा बाहर निकालो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब आगे स्टेप में फॉरवर्ड करते हैं माइनस के साथ, यहाँ पे क्या बचा होगा, तीन का टर्म बाहर निकालो, मीन्स क्या बचा होगा यहाँ पे, थ्री बचा होगा। ओके 100% यहाँ पे थ्री बचा होगा क्योंकि थ्री निकाला मैंने बाहर। अब ये कुछ बचा है क्या, यस क्योंकि मैंने फोर टाइम बाहर निकाला तो यहाँ पे भी एक बचा होगा। ओके एक्स क्यूब माइनस फाइव इंटू एक्स क्यूब प्लस थ्री बचा होगा क्या, नहीं बचा होगा, क्यों, क्योंकि मैंने टू टाइम बाहर निकाला तो यहाँ से भी टू टाइम बाहर निकला होगा। ओके अभी डिवाइड में क्या आने वाला है, ध्यान दीजिए जरा, एक्स क्यूब प्लस थ्री रेस टू सिक्स, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी ध्यान दीजिए इसका, अभी क्या होने वाला है, थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस थ्री का होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस फाइव रेस टू फोर। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फाइव एक्स क्यूब हो गया प्लस फिफ्टीन माइनस थ्री एक्स क्यूब, अब ये अंदर का चेंज करने वाला, माइनस से प्लस करने वाला, 15 हो गया। ओके समझ में आया, आता कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल क्या है, आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया, आपको सिर्फ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन जितना बेहतर से आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। ओके जितना बेहतर से आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो स्टूडेंट जरा देखिए यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग स्टेप में, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस थ्री टू टाइम है, यहाँ पे कितना टाइम है, सिक्स टाइम है, तो मीन्स यहाँ का दो टाइम और यहाँ का दो टाइम कैंसिल होने वाला, कैसे कैंसिल होगा जरा ध्यान दीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस थ्री का रेस टू टू इंटू एक्स क्यूब माइनस फाइव रेस टू फोर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फाइव एक्स क्यूब है, थ्री एक्स क्यूब है, यह प्लस है यह माइनस है, कितना हो गया, यहाँ कितना बचा होगा, टू एक्स क्यूब बचेगा, ये प्लस फिफ्टीन ये प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा, थर्टी हो जाएगा। समझ में आए यहाँ तक, ओके अब ये देखिए कौन से हिसाब से मैं इसको कट कर रहा हूँ, फोर इंटू एक्स क्यूब प्लस थ्री रेस टू टू लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाइड में है तो पावर ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया। ओके समझ में आया यहाँ तक, अभी अभी दैट इज़ योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा स्टूडेंट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ये इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इसकी अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आंसर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इधर से उधर ये आंसर आपको घुमाएगा, 100% आपको घुमाएगा। और स्टूडेंट जरा याद रखिए, ये हम लोग के टाइम जब मैं भी इसकी स्टडी किया था तो ये क्वेश्चन चेंजेस नहीं हुआ था, ये डायरेक्टली हमको एज इट इज क्वेश्चन था, ये भी आपको डायरेक्टली एज इट इज सिलेबस चेंज हुआ फिर भी आपके क्वेश्चन के अंदर डाला गया, इसका मतलब कुछ तो है ये क्वेश्चन में जो ऐसा डाला गया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स हर जगह लिखे, मैं सिर्फ लास्ट स्टेप में लिखता हूँ। ओके अब आपका ये फाइनल आंसर मिल गया है, तो फाइनल आंसर को आप बॉक्स में कर लीजिए। ओके तो उम्मीद करता हूँ आज के हमारे सारे वीडियोस, जितने भी आज के हमारे पूरे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री के मैंने फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट करा लिए हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो फिर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये क्वेश्चन को हमको अगर आपको ढेर लग रहा तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन दिया, एक्स क्यूब माइनस फाइव रेस टू फाइव डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री रेस टू थ्री। अभी आपको पता है कि डिवाइड में दिया तो डायरेक्टली आपको डिवाइडेंड रूल और क्वेश्चन रूल ही लगने वाला है। ओके तो यहाँ तक से मैं कुछ भी चेंजेस नहीं, यहाँ तक देखिए, यहाँ पे जो v का डेरिवेटिव करते हैं, v का डेरिवेटिव का स्क्वायर करते, सॉरी v का स्क्वायर करते, v का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो क्यूब पहले से था थ्री इंटू सिक्स यहाँ पे हो गया। ओके तो v एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे v एज इट इज लिखा, u का डेरिवेटिव, u मीन्स इसका डेरिवेटिव हम लोग किए, तो इसका डेरिवेटिव क्या किए होंगे, एक्स रेस टू फाइव, मीन्स क्या बचा होगा, फाइव एक्स रेस टू एन, मीन्स क्या बचा होगा, फाइव में से वन गया फोर बचा। उसके बाद अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या किए होंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये एज इट इज लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव जैसे ये किया सेम एज इट इज ये करेंगे। ओके आप देखिए ध्यान से, ये एक ही टर्म, मतलब फाइव थ्री जा फिफ्टीन हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सेम एज इट इज लिखा, ये भी सेम लिखा। ओके यहाँ पे देखिए, ये थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन एक्स स्क्वायर, ये लिखा फिर ये लिखा, और ये नीचे एज इट इज जैसा था वैसे ही किया मैंने। अब यहाँ से कॉमन लेना सबसे मुश्किल टास्क है, कॉमन लेना कैसे, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि कितना कहाँ बज रहा है। अगर मैं यहाँ पे थ्री कॉमन ले ले रहा हूँ, ये वाला जो टर्म, अगर मैं थ्री कॉमन ले ले रहा हूँ तो यहाँ से तो थ्री निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे टर्म थ्री नहीं है,
ठीक है, तो हम लोग को कम कॉमन लेना कि एक बच जाए चलेगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं टू कॉमन ये वाला ले रहा हूँ तो यहाँ से तो पूरा निकलेगा लेकिन यहाँ बच जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लेने का है कि जो दोनों के अंदर अवेलेबल हो, इसमें भी हो इसमें भी। अगर मैं थ्री लेता हूँ तो यहाँ से तो निकल जाएगा लेकिन यहाँ से थ्री कैसे निकलेगा, एक और लाना पड़ेगा, वो है नहीं अपने पास। तो इसलिए दो लेने का, एक यहाँ बचेगा, यहाँ से पूरा निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये चार जो पावर है एक्स क्यूब माइनस फाइव इज टू फोर, अगर मैं फोर ले रहा हूँ पूरा तो यहाँ से निकलेगा यहाँ बच जाएगा, दैट इज मतलब ये सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ से फोर आप ले रहे हैं तो फाइव बच रहा है, एक बच रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं फाइव कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से एक कम पड़ जाएगा, तो कम पड़ने की वजह से यहाँ पे इशू होने वाला है। तो इसलिए हम लोग जो सबसे कोशिश कीजिए कि सबसे पहला वाला कॉमन लीजिए, सबसे कम वाला। तो यहाँ फोर का कॉमन लिया है और टू का कॉमन लिया है, तो फोर और टू का कॉमन लिया है। और थ्री का क्यों कॉमन लिया है? क्योंकि फिफ्टीन थ्री के में मल्टीप्लाई में आता है, नाइन भी थ्री के मल्टीप्लाइड में आता है। तो थ्री से जब कॉमन लिया तो थ्री फाइव या फिफ्टीन हो गया, और यहाँ कितना बचा माइनस, यहाँ पे थ्री बचा। ठीक है, और माइनस की साइन क्या बोलती है कि जब भी अंदर मल्टीप्लाई किसी से करेंगे अंदर जो वो साइन चेंज करेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस थ्री बचा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस फाइव बचा, यहाँ पे पूरा चेंजेस आया, थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस थ्री का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस फाइव इज टू फोर, ये फाइव का मल्टीप्लाइड हुआ फाइव एक्स क्यूब प्लस फिफ्टीन, ये माइनस है, फिर इसका मल्टीप्लाइड हुआ थ्री एक्स रेस टू थ्री माइनस फिफ्टीन, यहाँ पे माइनस फिफ्टीन था लेकिन ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। ओके, तो ये प्लस प्लस कितना हो गया, फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टीन हो गया, ये फाइव प्लस में है और ये माइनस थ्री एक्स है, तो फाइव में से थ्री जाएगा तो कितना बचेगा, टू बचेगा। ओके, अब ये टू था, ये सिक्स मिनट टाइम में था, तो इसको मैं दो में पार्ट में ब्रेक कर दिया ताकि मैं ऊपर ऊपर से कैंसिल कर सकूँ ऊपर नीचे का। तो ऊपर नीचे का कैंसिल करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आया। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग ने क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ तक कंप्लीट कर लिया डिफरेंशिएशन 1.1 का। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को साइंस स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी भेजिए ताकि वो इस पढ़ाई से महरूम ना रह सके। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।